अभी तक हम लोग ने जितने टाइप की एनर्जीज पढ़ी हैं, ठीक है, जो भी मैंने तुमको बताया, वो इसमें एक्चुअली में यूज़ में आएंगी। इसके वजह से वो उस उन एनर्जीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसमें आगे चैप्टर में एक तुमको टॉपिक मिलेगा हेस लॉ। ये मैंने तुमको थोड़ा सा आइडिया दिया था 11th में भी, अगर किसी को याद होगा तो, कि अगर मान लो तुम्हारे पास कोई कंपाउंड है ए और ये डी में कन्वर्ट होना चाहता है, ठीक है, तो सीधी सी बात है कुछ ना कुछ एनर्जी लगी हुई होगी, डेल्टा एच, राइट। अब इस रिएक्शन को मैं एक स्टेप में करूं या हजारों स्टेप में करूं, मतलब ए से बी में कन्वर्ट हुआ, बी से सी में कन्वर्ट हुआ और सी से डी में कन्वर्ट हुआ, लेकिन फाइनली मेरे पास रिएक्टेंट क्या था, ए था, और फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास क्या था, डी था, जो इस रिएक्शन में भी हो रहा था। बट इसमें तो अलग अलग एंथैल्पी लगी होगी ना, जैसे मान लो ए से बी कन्वर्ट होने में डेल्टा एच वन लगा, बी से सी कन्वर्ट होने में डेल्टा एच टू और सी से डी कन्वर्ट होने में एच थ्री। तो हेस लॉ सिर्फ इतना बोलता है, आगे आएगा वापस से चैप्टर में, अभी खाली एक आइडिया रखो कि जो टोटल कन्वर्जन में जो एनर्जी लग रही है, ए से डी को कन्वर्ट होने में जो टोटल एनर्जी लगती है, अगर वही रिएक्शन अगर मैं स्टेप्स में करूं, ठीक है, तो ये डेल्टा एच टोटल किसके बराबर होगा, डेल्टा एच वन, एच टू और एच थ्री के। इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है तो हमारा बॉर्न हैबर साइकिल। और बॉर्न हैबर साइकिल क्यों बनाया गया था उसका रीजन भी मैं बताता हूँ तुमको। ये चीजें क्लियर है, ठीक है, एज पर या अकॉर्डिंग टू द हेस लॉ, ठीक है, द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रिमेन्स सेम और इक्वल वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप और इन मल्टी स्टेप, ठीक है। किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी हमेशा सेम होगी, वो चाहे रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में हो जाए या फिर मल्टी स्टेप में हो जाए, उससे अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली तुमको हेस लॉ ये फॉर्मूला बना के देता है। बॉर्न हैबर साइकिल क्यों बनाई गई थी, इसका रीजन देखो क्या है। बॉर्न हैबर साइकिल इसलिए बनाई गई थी, ये कभी वर्ड तुम लोग ने सुना है, लैटिस एनर्जी क्या होता है, ठीक है, एक सॉलिड है तुम्हारे पास, इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है, जो भी एनर्जी लगेगी, दैट पर्टिकुलर एनर्जी इज नोन एज लैटिस एनर्जी, ठीक है। या बहुत लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मान लो ए और बी ये दोनों गैसियस फॉर्म में थे, लेकिन जब ये मिक्स हुए तो ए बी बना जो कि सॉलिड स्टेट में बना, ठीक है। तो गैसियस फॉर्म ऐड होके जो सॉलिड स्टेट में चीजें बन रही हैं, सॉलिड मतलब जानते हो ना क्या बनता है, लैटिस बनता है, तो इस लैटिस को बनने में जितनी एनर्जी लगी, दैट पर्टिकुलर एनर्जी इज नोन एज लैटिस एनर्जी। इसी को मैंने उल्टा बोल दिया। अब जितनी एनर्जी बनने में लगी है उसी की जस्ट अपोजिट एनर्जी इसको तोड़ने में भी तो लगेगी, तो या तो इसको ऐसे बोल लो या तो इसको ऐसे बोल लो। बट द थिंग इज, बट द थिंग इज, ठीक है, ये कितना होना चाहिए, खाली एक मोल होना चाहिए, राइट है? क्योंकि हम लोग कोई भी एनर्जी पढ़ते हैं तो किसके रिगार्डिंग पढ़ते हो तुम, सिर्फ एक मोल के रिगार्डिंग, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी क्लियर है, लैटिस एनर्जी तुमको समझ में तो आ गई होगी, बट तुम किसी भी सॉलिड की लैटिस एनर्जी बता नहीं सकते हो कि कितनी एनर्जी लगेगी। जैसे इंटरनल एनर्जी है हम लोग डेल्टा यू नहीं बता सकते, खाली चेंज बता सकते हैं, वैसे ही लैटिस एनर्जी को भी हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मतलब पर्टिकुलरली नहीं बता सकते हो कि इसको तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी। और इसी एनर्जी को निकालने के लिए मेरे को एक रिलेशन निकालना पड़ा, और वो रिलेशन मेरे को निकाल के दिया बॉर्न हैबर साइकिल ने। बॉर्न हैबर साइकिल अगर तुमको अच्छी तरह आती है तो तुम वहां से लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। लैटिस एनर्जी का अपना इंडिविजुअल कोई फॉर्मूला अभी तक नहीं है हमारे पास कि इस फॉर्मूले से मैं लैटिस एनर्जी निकाल सकूं। लैटिस एनर्जी हम लोग रिलेट कर सकते हैं, रिलेट तुम बोल सकते हो, रिलेटिव इक्वेशन से तुम लैटिस एनर्जी निकालते हो। अब बॉर्न हैबर साइकिल है क्या, सुनो, मान लो कि अपने पास Na है, ठीक है, प्लस Cl2 है, इससे मेरे को निकालना है NaCl, ठीक है। मेरे को पता है ऐसे बनता भी है, Na को Cl में मिक्स करूंगा तो NaCl बनेगा, बट इस इक्वेशन को अगर मैं बैलेंस करूं
तो मेरे को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, टू, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, टू, ठीक है। बट एनर्जीज तो मैं सिर्फ कितने के लिए निकालता हूँ, 1 मोल के लिए निकालता हूँ, मतलब यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं लिखना है, सीधी सी बात है। तो अब मैं इस रिएक्शन को कैसे बैलेंस करूँ, मेरे को 1 के रिस्पेक्ट में ही एनर्जी को कैलकुलेट करना, क्या करोगे? Cl2 को हाफ लिख दूं ऐसे, हाफ Cl2 मतलब एक Cl हो गया, तो एक Na एक Cl से कंबाइन होगा तो एक NaCl बनेगा। बट हमको पता है सोडियम होता है सॉलिड स्टेट में और ये होता है गैसियस स्टेट में, ये रिएक्शन तो होगी नहीं। चीजें हमेशा स्टेट जब सेम होता है, सिमिलर होता है, तब जाके रिएक्शन करती हैं। तो सबसे पहले मेरे को सॉलिड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, गैसियस स्टेट में। और तुमको पता है कि सॉलिड स्टेट डायरेक्ट गैसियस में कब कन्वर्ट होता है, कब कन्वर्ट होता है, जब हम लोग इसमें एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन लगाते हैं। अभी तुम लोग ने पढ़ा थोड़ा टाइम पहले। अच्छा बताओ ये एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन किस फॉर्म में होगी, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? हम लोग एनर्जी डाल रहे हैं ना बाहर से, तो ये कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलो अब ये गैस में कन्वर्ट हो गया, राइट। ये जो Cl है, ठीक है, 2 Cl था, मैंने इसको डिवाइड करके 1 Cl, नेचुरल एग्जिस्टेंस इसका क्या है, Cl2 है, बट मैंने इसको डिवाइड किया, मतलब यहाँ पे एक टाइप की एनर्जी लगती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। और चीजों को डिसोसिएट जब करोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या मिल जाएगा, Cl गैस, ठीक है। डिसोसिएशन एनर्जी अपने को डालनी पड़ी होगी कि इसमें से निकली होगी, ये सेपरेट हो रहा है, मतलब मैंने एनर्जी डाली होगी तभी तो सेपरेट हुआ होगा, मतलब ये भी क्या होगी तुम्हारी, पॉजिटिव। ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूँ। आगे अब Na क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को देता है, क्लियर है ये चीज, तो मतलब इसमें कौन सी एनर्जी लगी होगी कि ये Na प्लस में कन्वर्ट हो गया होगा, कौन सी एनर्जी, आयोनाइजेशन लगी होगी ना, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयोनाइजेशन। और ये एनर्जी कैसे होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव होगी ना, तुम किसी चीज में से कुछ निकाल रहे हो तो तुमको एनर्जी डालनी पड़ेगी। लेकिन जब Cl के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन लग गया होगा तो ये Cl माइनस हो गया होगा, यहाँ पे कौन सी एनर्जी लगी होगी पता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्ड सुना था 11th में, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इज आयोनाइजेशन, और एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्लेस एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये एनर्जी कैसी होगी तुम लोग मेरे को बताओ जरा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? हाँ यही मैं सुनना चाहता था, ये एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि ऑलरेडी एटम है, तुम उसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर से डाल रहे हो, ठीक है। तो जब किसी में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वहां से क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, रिलीज हो रही मतलब क्या हो रहा है, सिस्टम काम कर रहा है किसके ऊपर, सराउंडिंग के ऊपर। और हमको पता है जब भी सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर काम करता है तो एनर्जी कैसी होती है, नेगेटिव होती है, राइट। अब ये देखो दोनों गैसियस था, ये भी गैसियस, अब इनके बीच में लैटिस तैयार हो गया, लेकिन ये जो NaCl बनता है ये तो सॉलिड में बनता है, ठीक है, तो गैस से ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में, राइट। और हमको पता है जब भी स्टेबल कंपाउंड बनते हैं तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है, जितना ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा इसका मतलब क्या हो रहा है, एनर्जी क्या होगी, ग्राफ बताया था ना तुमको ऐसे, मान लो यहाँ पे रिएक्टेंट है और यहाँ पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब क्या हो रहा है, ये अपने अंदर से बहुत सारी एनर्जी को रिलीज कर रहा है, तभी तो एनर्जी कम हो गई इसकी।
तो जब भी जितना ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनता है उतना ज़्यादा वो एनर्जी रिलीज करता है। गैसियस कंबाइन होके सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो एनर्जी लग रही है वो एनर्जी क्या है, लैटिस एनर्जी, ठीक है। और ये एनर्जी भी कैसी होगी मालूम है, नेगेटिव, क्योंकि अनस्टेबल प्रोडक्ट से क्या बन रहा है, स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है। अब हैस लॉ पे आ जाओ। NaCl से जब कंबाइन हुआ तो NaCl बना और यहाँ पे एंथैल्पी लगी होगी डेल्टा H, ठीक है। लेकिन जब इसको मैं मल्टी स्टेप में देख रहा हूँ तो इस डेल्टा H टोटल को मैं क्या लिखूंगा, ये सबका एडिशन हो जाएगा। ये क्या है, डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस डेल्टा H डिसोसिएशन प्लस डेल्टा H आयोनाइजेशन माइनस डेल्टा एच एफिनिटी और माइनस डेल्टा एच लैटिस। तो इस फॉर्मूले से तुम निकाल सकते हो किसी भी कंपाउंड की लैटिस एनर्जी क्या होती है। लैटिस एनर्जी का अपना कोई फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला दिया था बॉर्न हैबर ने, दोनों अलग साइंटिस्ट हैं, बॉर्न एंड हैबर, ठीक है, उससे अपना लेना देना नहीं है। बट इस इक्वेशन से तुम अब कोई भी चीज़ को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो न्यूमेरिकल तो नहीं आते हैं इस पे, बट अगर आ जाते हैं तो तुमको सब कुछ दिया हुआ होगा कि डिसोसिएशन इतना है, सब्लिमेशन इतना है, एफिनिटी इतनी है, लैटिस इतना है, तो बताओ आयोनाइजेशन कितना होगा, ठीक है। तो सिंपल सा खाली वैल्यू प्लेस करना है और आंसर तुमको निकालना है। साइन के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करोगे, ये दोनों नेगेटिव में होंगी, बाकी सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। समझा कि नहीं? ये रिएक्शन तो ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट है, ये गैसियस है और ये भी सॉलिड है, तो बाकी चीजें तो सेम रहेंगी। पहले एमजी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को, सब्लिमेशन लगा के किस में, एम जी गैसियस में, राइट। तो ये कैसी है, पॉजिटिव। अब इसमें डिसोसिएशन वगैरह एनर्जी की जरूरत है क्या, नहीं है, डायरेक्ट कंबाइन होगा ये, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है तो, ठीक है। बट अब इससे दो इलेक्ट्रॉन निकालोगे, दो इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब क्या है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम जी प्लस टू में। अब जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है डेल्टा एच आई, दो इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग होगी, मतलब डेल्टा एच वन ये भी पॉजिटिव होगी, तुम फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, डेल्टा आई एच टू ये भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, समझा। एम जी के ऊपर प्लस टू का चार्ज आता है ना इसमें, तो मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो एक बार एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर दूसरी बार दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और तुमको क्या करनी पड़ेगी, दोनों एनर्जी पॉजिटिव में लेनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं ना अपन, ये ऑलरेडी गैसियस में था, डिसोसिएट करने की जरूरत नहीं है, मतलब इससे जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो डायरेक्ट इसमें लगेंगे, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बट इसमें भी अब दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, इस सीएल का जो एटम था इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, सुनो कैसे, या ऑक्सीजन पकड़ लो इसको तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन अगर दो हो गया तो यहाँ पे फाइनली क्या बनेगा, एम जी ओ, तो इसमें भी तुमको डिसोसिएशन लगाना ही पड़ेगा, कैसे, एक ही ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा ना इसको, तो पहले इसमें भी डिसोसिएशन लगा लो, ठीक है, ये भी कैसी होगी, पॉजिटिव, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ ओ टू, मतलब एक ऑक्सीजन बचेगा गैसियस में। अब इससे निकले हुए इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन निकले हुए कौन लेगा, ऑक्सीजन लेगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, यहाँ पे ये ओ टू माइनस में कन्वर्ट तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगेगी उनका साइन क्या होगा, कोई बता सकता है, एक वन एक टू, जो पहला वाला होगा वो तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, लेकिन दूसरे वाले के साथ थोड़ा सा सिस्टम है, पहला तो नेगेटिव होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल के लग गया, जैसे ही पहला इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ होगा इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, ऑलरेडी इसके पास नेगेटिव चार्ज है और तुम दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसके ऑर्बिट में डाल रहे हो,
तो ये लेगा क्या इलेक्ट्रॉन, ये तो रिपेल करने लगेगा इस इलेक्ट्रॉन को, फिर भी हमको तो हमको देना तो है इसको इलेक्ट्रॉन, तो अब मेरे को बाहर से एनर्जी डालनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए। तो पहली वाली नेगेटिव होगी, बट दूसरी वाली क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, अब फाइनली तुम्हारा लैटिस तैयार है, Mg+2 और O2-, ये दोनों कंबाइन होकर क्या कर देंगे, MgO2 सॉलिड बनाएंगे, बट एनर्जी क्या लगेगी, डेल्टा एच लैटिस, विच इज अगेन क्या, नेगेटिव। ठीक है, तो मतलब इस पर्टिकुलर चीज के लिए जो ओवरऑल फॉर्मूला बनेगा डेल्टा एच टोटल, वो क्या बनेगा, डेल्टा एस सब्लिमेशन प्लस तुम्हारा डिसोसिएशन, ये भी पॉजिटिव में ही था, प्लस डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, ये वाले दोनों पॉजिटिव हैं। बट यहाँ के देखो तुम लोग पूरा लिख लेना, डेल्टा एच सब्लिमेशन, डेल्टा एच डिसोसिएशन, डेल्टा एच आयोनाइजेशन 1-2। इसका पहला किसमें है, मतलब इसका पहला वाला डेल्टा H1 किसमें, नेगेटिव में है, और दूसरा किसमें, पॉजिटिव में। ठीक है, और फाइनली लैटिस एनर्जी भी किसमें आ जाएगी, नेगेटिव में। तो इस पर्टिकुलर के लिए फॉर्मूला ये बनेगा। ठीक है, तो जब भी मल्टीपल एनर्जीज इन्वॉल्व होंगी तभी भी ध्यान में रखना, पहला इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होगा बट दूसरा इसके नीचे वाले जितने भी आते जाएंगे वो सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। समझा नहीं समझा?